गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ माई चैनल. और आज है, आज है थर्सडे. थर्सडे है कि वेनसडे? एक मिनट, आज थर्सडे. ओके, सो आज थर्सडे है और अभी मैं सो करके उठी हूँ और मेरी मॉर्निंग की इस तरह से स्टार्ट होती है. तो अभी मैंने बाल वाल पूरा ऊपर बांध लिया है, हेयर बैंड लगा लिया. एक्चुअली ये जो बैंड्स है ना, ये मैंने नए खरीदे. ऐसे मेरे पास दो आए, एक तो ये पिंक आया है और एक आया है ये ब्लू कलर का है. और काफ़ी अफोर्डेबल थे ये, अमेजन से मैंने परचेज करे हैं. आई थिंक 150 या 160 में दो आए, तो काफ़ी सस्ते हैं. मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, फिर एनी केस आपको परचेज करना हो तो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि इसके अंदर इलास्टिक नहीं है. मुझे यूजुअली इलास्टिक वाले जो हेयरबैंड्स होते हैं उसमें मेरा हेडेक, बहुत गंदा हेडेक होता है, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ. बट ये सिर्फ कपड़े का है तो इससे मेरे को हेडेक नहीं होता, ऐसा लगता नहीं है कि भारी भारी मेरे सर में कुछ है. तो इसलिए भी ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं. तो अगर आपके लॉन्ग हेयर है, आपको हेडेक वाला प्रॉब्लम होता है हेयरबैंड से, तो यू कैन ट्राई दिस आउट. और अभी मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और अब मैं फेस वॉश वगैरह करूँगी एंड देन फिर मॉर्निंग रूटीन अपना स्टार्ट करूँगी. सो या, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द डे. Hey guys, तो मेरा पूरा किचन का जो काम है वो हो चुका है और नाउ आई गो एंड टेक शावर. और एक्चुअली भी दिन का टाइम हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है. बट मेरे यहाँ एक छोटी सी टंकी थी जो काफ़ी पहले गंदी थी, हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हमने उसको निकाल के साफ करके उसमें फ्रेश पानी भर दिया है. तो अब मैं किसी भी टाइम पे नहा सकती हूँ क्योंकि उसमें पानी रहता है तो वो ठंडा ही रहता है. तो उसमें 2-3 बाल्टी पानी भरा जाता है, ज़्यादा बड़ी टंकी नहीं है, छोटी सी है, साइड में रख दी है हम लोगों ने उसको. तो 2-3 बाल्टी पानी भरा जाता है, तो हर 2-3 दिन में उसमें पानी भर देते हैं क्लीन करके. एंड देन मतलब मेरे लिए हो जाता है क्योंकि विक्की सुबह से नहा करके बैठ जाता है, वो काम करने नहा के ही बैठता है.
शारवार लेकर के, एंड मुझे ये भी सब कुछ जो यहाँ पे रखा हुआ है ये सैनिटाइज करना हुआ है, वहाँ पर भी कुछ कोरियर का सामान आया हुआ है, बट वो सैनिटाइज वगैरह मैं बाद में करूँगी। एंड लुक एट माई स्वेटिंग, तो मैं फटाक से शार लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये है हम लोगों का लंच, तो ये अनियंस क्योंकि क्यूकम्बर नहीं है, उसके बाद ये रायता, ये सब्जी, ये पापड़ और ये है अचार घर वाला, ये दूसरा अचार है, ये गाजर का नहीं है। इसमें काफ़ी सारा, इसमें गोभी है, मटर है, मिर्ची है, काफ़ी सारी चीज़ें, और ये बहुत टेस्टी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो ये अचार गया यहाँ पे, और इसमें लेमन, चाट मसाला और काला नमक डाला है, मुझे ऐसे डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग अभी मूवी देख रहे हैं उजड़ा चमन। आप लोगों को भी मेरी आईब्रोज दिख रही है, पास से दिखाती हूँ, ये दिख रही है ये कितना बढ़ गई है, एंड यहाँ पर भी काफ़ी अनइवन सी है, एंड यहाँ पर भी देखिए ये दिख रहा है, ये सब दिख रहा है छोटा छोटा, एंड देन ये सब अनइवननेस। तो मैं भी अपना आईब्रो कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाना है वो थोड़ा सा आँखों के आसपास वाला एरिया रहेगा, तो वो एरिया मुझे क्लीन चाहिए, तो मैं फटाक से अपनी आईब्रोज तो मैं प्लकर से कर रही हूँ, शेविंग नहीं कर रही हूँ, मतलब शेव नहीं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज प्लकर से क्या होता है ना, थोड़ा दिन का रिलैक्सेशन रहता है, फिर शेव से दूसरे दिन फिर वो आने लगती, क्लीन इफेक्ट नहीं आता है। ओके, सो माई आईब्रोज आर डन, क्वाइट क्लीन एंड काफ़ी बेटर हो गई है ये। तो अब मुझे अपने बाल, मैंने कल ही अपने बाल वॉश किए थे, एंड टुडे आई एम फीलिंग लाइक कि मेरे बालों में ऑयल आ गया है, एंड आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने अपना क्लचर लगा करके रखा था, तो मेरे बाल ना ऐसे हल्के हल्के से टर्न हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको हल्का सा कर्ल कर लेती हूँ तो वो सेम लुक हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई पाउडर लगा करके ठीक कर लेती हूँ बालों को। सो आई जस्ट कर्ल माई हेयर, और नीचे नीचे से ये थोड़े से ऐसे हैं लाइक दिस। एक्चुअली मुझे कर्लर यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब 2010 मान लो, 9 से 10 के ईयर में मैं फर्स्ट ईयर में गई थी, कब मैं कर्लर खरीदा था, लोकल कर्लर वो मैंने कर्लर परचेस किया था, एंड तब से लेके अभी तक, मतलब 10 साल से मैं कर्ल कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली कर्ल करती हूँ, बट हाँ मैं काफ़ी बार कर्ल कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम बिगनर हूँ, बट फिर भी आज भी मैं कंफ्यूज होती हूँ कि बालों को ऐसे घुमाना है या ऐसे घुमाना है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज एंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं कर्ल करने की कोशिश करती हूँ और फेल हो जाती हूँ कर्ल करने से, बिकॉज मुझे अभी भी वो, मतलब जो परफेक्ट कर्ल्स होते हैं ना वो मेरे नहीं आते हैं, मतलब आते हैं, ये आ गए, नॉर्मल आ गए, बट स्टिल मुझे टाइम लगता है, फटाफट नहीं होता है मेरा। मैं फेस वॉश करके आती हूँ एंड जल्दी से क्विकली मेकअप करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरा जो शूट है वो हो चुका है, एंड एक्चुअली काजल ब्रांड था, तो इसलिए आपने मेरे आंखों में देखो कितना सारा काजल, मैंने इतने टाइम बाद काजल लगाया, मतलब मैं एक टाइम था कॉलेज के टाइम पे, हमारा जो पूरा फ्रेंड सर्कल था हम सब लोग काजल लवर्स थे, मतलब सब भर भर के काजल लगा लगा करके आती थी, लेकिन अभी तो हम लोग काजल वाजल कुछ नहीं लगाते हैं, मतलब अब मैं इतना काजल नहीं लगाती, मतलब और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है काजल लगाना, बहुत वंस इन अ वाइल चलता है और ऐसा, तो अभी मैं इतने टाइम से काजल लगाती, मैं खुद को देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो यस। और काफ़ी सारा यहाँ पर सामान फैला हुआ है, आज मैंने अभी दो वीडियोस मैंने कंप्लीट करे हैं शूट करना, वो बैठ करके जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स रिव्यूज देखती हूँ वो है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये दोनों ऐसे ब्रांड से, मतलब ये जो काजल वाला ब्रांड है ये मैं कोलैबोरेशन से पहले से मैं इसी काजल को यूज़ कर रही थी, ये मतलब यूज़ कर चुकी हूँ, और जो दूसरा ब्रांड है जिसके बारे में मैं शेयर करने वाली हूँ उसके बारे में आई थिंक मैं व्लॉग में पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खादी वालों के साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, तो खादी इज समथिंग जो मैं पिछले 10 सालों से यूज़ करती आ रही हूँ, और मैं छोड़ो मेरी मम्मी भी पता नहीं कब से यूज़ करती आ रही है, तो वो भी ऐसा ब्रांड है, दोनों मतलब मेरे यूज्ड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब अच्छे ब्रांड्स आते हैं और मेड इन इंडिया वाले ब्रांड्स आते हैं, अभी तो वैसे भी हमको वही ज़्यादा प्रमोट करना है, सो येस। एंड काफ़ी ज़्यादा मैस हो चुका है यहाँ पर, ये ऐसे फैलाती हूँ मैं सब कुछ, यहाँ पर बैठी थी मैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा मैस वैस हो चुका है, तो मैं फटाक से वो क्लीन करती हूँ एंड फिर उसके बाद कुछ स्नैक बनाएंगे खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है, और आज मुझे वर्कआउट भी शाम को करना है क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था, और टाइम भी नहीं, अभी यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई ना, तो सुबह सुबह वर्कआउट हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि किचन का काम सबसे पहले कंप्लीट कर लूँ, और दो एक साथ स्वेटी वाले काम नहीं हो सकते हैं, तो आज मेरे को खाना नहीं बनाना है, क्योंकि रोटी मैंने सुबह ही बना करके रख ली थी, क्योंकि आज मुझे पता था कि मेरे को शूट करना है, फिर उसके बाद जो मेरा DIY वीडियो है उसका
पेंटिंग वेंटिंग करना है, तो आज मेरा लंबा दिन चलने वाला है काम के ऊपर, तो इसलिए मैंने रोटियाँ जो थी वो सुबह ही बना करके रख दी थी, और सब्जी भी बची हुई है एंड देन रायता भी बचा हुआ है। दो लोग हैं, दो लोगों के लिए आधा किलो सब्जी बना दो तो दो टाइम का हो जाता है काम। इस टाइम फॉर वर्कआउट एक्चुअली मैंने सुबह नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो गई है और अभी हर जगह गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो सुबह वर्कआउट करने से बेटर है मैं शाम को करती हूँ। इन कपड़ों को चेंज करूँगी वर्कआउट करने के लिए, जो मेरे वर्कआउट क्लोथ्स हैं मैं वो पहनूंगी और फिर उसके बाद करूँगी। योगा नहीं करती हूँ मैं अभी, मैं नॉर्मल जैसे रनिंग वनिंग टाइप की एक्सरसाइजेस करती हूँ थोड़ी बहुत। Hey guys, so I'm done and look at my face. और मेरा sweat देखो, but मेरा काजल intact है, मतलब काजल हिला नहीं है इधर का उधर, you can see sweating on me. तो मैं basically क्या करती हूँ, वार्म अप्स करती हूँ, जो मैं डांस कर रहा हूँ अपने बच्चों को बेसिक वार्म अप्स कराती हूँ। वार्म अप्स हमेशा हेड टू टो चलता है, मतलब थोड़ा सा आपको पूरा बॉडी का एक एक पार्ट ले करके उसको वार्म अप करना होता है, ठीक है। उसके बाद वार्म अप करने के बाद मैं बहुत बेसिक से एक्सरसाइजेस करती हूँ जो आपने देखे अभी, बहुत बेसिक होते हैं। उसके बाद कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग लगा करके, क्योंकि मुझे मज़ा उसी में आता है, क्योंकि अगर मैं बॉलीवुड सॉन्ग ही लगाऊँ और नॉर्मल ये जो जिम वाले ट्रैक्स होते हैं उन पर करूँ ना तो मैं थक जाती हूँ, तो बॉलीवुड सॉन्ग्स लगाती हूँ उसे चटके मटके वाले एंड देन खुद ही उस पर जुम्बा करती हूँ, स्टेप्स बनाती हूँ और जुम्बा करती हूँ। तो जो डांस करते हैं उनके लिए जुम्बा बहुत सिंपल है, मतलब स्टेप बहुत इजी होती हैं, बेसिक से होते हैं। अब नीचे आई नो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलने वाले हैं कि आप जुम्बा के ऊपर वीडियो बनाओ, मेरे को वीडियो के अपार्ट फ्रॉम वीडियो एज वेल, मुझे कॉलोनी में भी काफ़ी सारे लोग ये चीज़ अप्रोच कर चुके हैं दैट आई शुड स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑन जुम्बा एज वेल, या फिर मैं एक अलग से चैनल चालू कर दूँ या इसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ, बेसिक वीडियोज़ बनाऊँ मस्ती वाले एंड ऑल, डांस के साथ करने में मज़ा आता है, तो वो सब करूँ मैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं, अभी तो देख काम बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसके पहले भी बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि एडिटिंग और शूटिंग मैं खुद ही करती हूँ और मैं प्रिफर नहीं कर रही हूँ फिलहाल। मैंने बीच में एक थॉट दिया था कि मैं किसी और से एडिटिंग करवाना स्टार्ट कर दूँ, लाइक कोई बंदा रख लूँ जो उसके वर्क फ्रॉम होम काम करे और मेरे को काम करके दे दें, बट फिर पता नहीं क्यों मेरे मन से नहीं आ रहा था कि विक्की बहुत पीछे पड़ा हुआ है कि किसी को रख लेते हैं, किसी को रख लेते हैं एडिटिंग के लिए या दूसरे काम के लिए ताकि बर्डन कम हो जाए। बट मुझे ऐसा है कि यार ये काम मैंने किसी और को देने के लिए नहीं स्टार्ट किया था, मतलब आई नो कि अब बढ़ रहा है काम तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसके साथ साथ, मैं कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है जब तक चल रहा है मैं चलाती हूँ देखती हूँ, लेट इट बी। सो यस, ये था और अब आप देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा गीली हो चुकी हूँ और मैंने कोई फ़ैन नहीं ऑन किया है, दोनों फ़ैन बंद है और अब मैं सीधे शावर लेने के लिए जाऊँगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ शावर लेने के बाद। मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं किचन से फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मतलब एक 9:30-10 बजे के बाद मेरी हालत बिल्कुल डाउन हो जाती है। मैंने सोचा था जो मैंने कल DIY किया था उसका मैं आराम से यहाँ अंदर बैठ करके पेंट करूँगी, बट मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली इसलिए। सो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, और मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्टली कल। सो बाय।